हरिओम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में भगवान शिव जी को बनाने वाले हैं मिट्टी से। आप लोग को तो पता ही होगा सावन का महीना स्टार्ट हो चुकी है, तो इसीलिए सोचा कि एक शिव जी का मूर्ति बनाया जाए। तो चलिए, फर्स्ट आज का मूर्ति है शिव जी का, और बहुत सारे मूर्तियाँ भी बना चुके हैं दोस्तों शिव जी का मूर्ति। आप लोग यदि देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। पहले इस वीडियो को अंत तक देख लेना। तो चलिए, पहले तो 150 मिट्टी ले लेंगे और कुछ इस तरह से बना देंगे, इस तरह इस प्रकार की शेप में, क्योंकि ये नंदी बैल बना रहे हैं। नंदी बैल के ऊपर बैठे होंगे, कुछ इस तरह की शिव जी का मूर्ति बनाएंगे। तो पहले नंदी बैल को बनाते हैं, तो इसलिए कुछ इस तरह की मिट्टी शेप में ले करके पहले तो इसे हम बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीला है दोस्तों। तो इसलिए हमने पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर बाद में इसको डिटेलिंग करते जाएंगे, अच्छा दिखेगा। वरना मिट्टी बहुत ज़्यादा गीला है, तो इसलिए डायरेक्ट बनाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर पहले बना लेंगे, फिर बाद में डिटेलिंग कर देंगे। तो इसी प्रकार से बनाते जाएंगे दोस्तों। थोड़ा बहुत भी हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की मूर्ति मेकिंग वीडियो यहाँ पे आते रहेंगे, मतलब इस चैनल पे आते रहेंगे। तो आप लोग यदि थोड़ा बहुत भी देखना पसंद करते हैं या इसी तरह की मूर्ति बनाना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, इसी तरह से धीरे धीरे नंदी जी का तो स्ट्रक्चर बन चुके हैं, अब शिव जी का बनाएंगे। शिव जी को बनाने के लिए पहले तो दो कॉइल बना लेंगे, एक तरफ थोड़ा पतला करेंगे और एक तरफ थोड़ा मतलब मोटा करेंगे, इस प्रकार की कॉइल बनाएंगे। दो कॉइलों को बना देने के बाद कुछ इस तरह से नंदी जी के ऊपर बैठा हुए बनाएंगे शिव जी को। ध्यान से देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो इसी तरह से दो कॉइल को वहाँ पे नंदी जी के ऊपर कुछ इस तरह से ज्वाइंट कर देने के बाद ऊपर में और थोड़ा सा 150 मिट्टी लेंगे और शिव जी का पेट को बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, और ऊपर के भाग के छाती के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड करके ऊपर की तरफ भी बना लेंगे। और हाथों को दोस्तों बनाने के लिए पहले तो थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा गीला है तो टूट जाएगा हाथ। तो इसलिए फास्ट थोड़ा थोड़ा ही बना करके रखेंगे, और थोड़ा बहुत सूख जाने के बाद, मतलब मिट्टी थोड़ा बहुत टाइट आ जाने के बाद, और एक आधा हाथ को बना लेंगे। तो इसी प्रकार से इतना ही बना लेंगे, और अभी डिटेलिंग करने के लिए उंगली में पानी भिगो करके कुछ इस प्रकार से फिनिशिंग कर देंगे, और जितने भी एक्स्ट्रा मिट्टी है वो सब निकाल लेंगे, और जहाँ जहाँ पे मिट्टी ऐड करना है वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐड कर देंगे और डिटेलिंग कर देंगे। तो इसी प्रकार में फिनिशिंग कर देंगे। तो चलिए, थोड़ा बहुत फटाफट कर लेते हैं।
दस्त सारे मूर्तिगतों को फिनिशिंग कर चुके हैं, अभी नंदी जी को डिटेलिंग कर रहे हैं। नंदी जी को बनाने के लिए पहले तो अभी कान को बना लेंगे। कान को बनाने के लिए पतला पतला स्लेब की तरह बना लेंगे कुछ इस प्रकार की, और दोनों कानों को बना लेंगे। दोनों कानों को बना देने के बाद अभी आँखों को बनाने की जगहों पर थोड़ा बहुत उंगली से प्रेस करके वहाँ पे कुछ इस प्रकार से ब्रश की एक स्टिक लेंगे और पीछे के साइड में थोड़ा बहुत इसी तरह से आँख बनाने की जगहों पर प्रेस कर देंगे। प्रेस करके वहाँ पर लड्डू की तरह थोड़ा छुटा छुटा करके जैसे कि उस के अंदर चला जाए उसी तरह वॉल बना लेंगे, और वहाँ पर कुछ इस प्रकार से वहाँ पे दोनों साइड में डाल देंगे। डाल देने के बाद ऊपर में पतला कॉइल बना करके ऊपर में कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे। चिपका देने के बाद एक टूल लेंगे और उसे डिटेल कर लेंगे और जितने भी वो सब बना लेंगे। दोस्तों नंदी जी का शरीर तो सब कुछ बन चुकी है, अभी शिव जी का बनाना बाकी है और उसे रहने देते हैं। आज थोड़ा बहुत मिट्टी है हार्ड होने के बाद बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे मित्रों, और वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को सुबह शाम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।